सेकेंड पार्ट है इसका, एस इज इक्वल टू सॉरी द सेट एस इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, अब आपने इसके फैक्टर्स बताने हैं कि कितने फैक्टर्स इसके बनते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स आपके कितने बनेंगे? अब ये इक्वेशन गिवन है तो सिंपली इसके फैक्टर्स बना के चेक कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5 तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या लिख सकते हैं, 5x-x-5। तो दोनों में से एक्स को कॉमन लेके, तो अगर हमारे पास ये दो फैक्टर्स आते हैं, एक्स प्लस 5 आता है एंड x-1 आता है, तो सॉल्यूशंस आपके पास 2 आएंगे। तो आपके पास यहाँ पे 2 आउटकम्स आते हैं, x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 1। तो s सेट क्या होगा, -1 एंड 1 सॉरी 5 एंड 1 का। थर्ड पार्ट है इसका, द सेट ऑफ आउटकम्स व्हेन अ कॉइन टॉस्ड अंटिल अ टेल और थ्री हेड्स अपीयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोट करें कि आउटकम्स आपको जो सेट से मिलते हैं, जब एक आप कॉइन गिराती हो, पहले आपको क्या मिलता है, टेल। ठीक है, टेल मिलता है या फिर तीन हेड्स अपीयर होते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम गिराते हो, टेल आ सकता है या फिर तीन, कितने आ सकते हैं, तीन हेड आ सकते हैं। फर्स्ट टाइम करते हैं टेल, फिर क्या होगा, फिर हेड आ सकता है। थ्री टाइम्स उन्होंने बोला है कि थ्री टाइम्स हेड आ सकता है, फिर आपके पास हेड आएगा टेल के साथ अगर आप देते हो, फिर नेक्स्ट टाइम गिराते हैं तो फिर आपके पास हेड आएगा, फिर इसके साथ और ऐड हो जाएगा, फिर जब लास्ट टाइम गिराते हो तो आपके पास थर्ड में क्या आएगा, हेड। थ्री टाइम जब आप गिराते हो, थ्री आउटकम्स आपके पास क्या आ जाएंगे, हेड हेड आ जाएंगे। डी पार्ट है नेक्स्ट आपका, इसमें द सेट एस इज इक्वल टू एस और एस इज अ कॉन्टिनेंट, कि आपके पास एक्स जो है वो सेट ऑफ कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स में आप, अब यहाँ पे इन्होंने हमें बाउंड नहीं कर दिया कि आपने इतने कॉन्टिनेंट्स ही लिखने हैं, आपकी मर्जी है, आप 6 के नाम लिखते हैं, 7 के लिखते हैं, 4 के लिखते हैं, 3 के लिखते हैं, तो हम यहाँ पे आपने किसी भी कॉन्टिनेंट के नेम लिख देना है, जो सपोज दैट यूरोप लिख दिया, एशिया लिख दिया, अफ्रीका लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है द सेट एस इज इक्वल टू एक्स और 2x-4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड एक्स लेस देन 1। अब ये समझने वाली बात है, गौर कीजिएगा। 2x-4, अब यहाँ पे पहले तो आपको एक तो आउटकम पता है कि x का आंसर क्या आता है, 1 से लेस आता है। ठीक है, अब इस साइड से x का आंसर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 4 नेगेटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया, तो मीन्स दैट आपके पास क्या आता है, 2 से ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 आंसर आता है। अब यहाँ पे देखें, ये जो आंसर आ रहा है वो आपका 2 से ग्रेटर और 2 के इक्वल आ रहा है, मींस दैट 2 3 4 5 6 हम ये चीज देख सकते हैं। और इस साइड पे आंसर क्या आता है, 1 से लेस आता है, तो 1 से लेस क्या आता है, 0 आता है, फिर -1 फिर -2, ऐसे ही हम देखते जाते हैं रियल लाइन पे अगर हम चेक करें। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी मस्ट आल्सो हैव एक्स लेस देन 1। अब आपके पास दोनों में से कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, तो एक्स आपका क्या होगा, ऐसा आपका इंफिनिटी सेट होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप एक रियल लाइन बनाते हो, ठीक है, रियल लाइन हम बनाते हैं, ये आपका 0 हो गया, इस साइड पे आपका आ गया -1, इस साइड पे आपका आ गया -2, और इधर आपके सारी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, 1 होगी, फिर आपके पास यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरीके से आप चेक करते जाते हो। अब यहाँ पे देखें, आपके पास आते हैं 2 से ग्रेटर एंड 2 से इक्वल। अब 2 से ग्रेटर आप चेक करेंगे तो 2 से ग्रेटर आपके पास नंबर कौन से आएंगे, 2 से ग्रेटर इसी साइड पे आएंगे, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इसी तरीके से। और 1 से लेस लेते हैं तो 1 से लेस क्या आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा। तो इस वजह से ये तो दोनों कोई भी कॉमन, एक की रो इस साइड पे आ रही है, दूसरे की दूसरे साइड पे जा रही है, तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है हमारा ये सेट जो है एस वो किसके इक्वल आता है, एम्प्टी सेट के इक्वल आता है, 5 आता है इसमें, नंबर दोनों में नॉन एलिमेंट आते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है 2.2, यूज द रूल मेथड टू डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस को आपने डिस्क्राइब करना है, वो आपकी क्या है, देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इनसाइड अ सर्कल, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो सर्कल के अंदर है, ऑफ रेडियस 3, जिसका रेडियस कितना है 3, विद सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर से उसका रेडियस कितना है 3 है। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमारे पास होती है। ठीक है, आर जो है वो रेडियस को शो करता है, तो
तो क्या कह रहे हैं कि उसमें जो आपका ओरिजिन से सेंटर जो है वो 3 है, तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस 3 है तो उसका आर स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो आपके पास ये वाला सेट बनेगा एक्स एंड वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 9 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन से हमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास 2.3 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर इक्वल। अब आपने बताना है कि कौन से इवेंट्स जो है यहाँ पे इक्वल है। फर्स्ट सेट जो है वो आपका ये 1 एंड 3 है, तो ये इक्वल है, इसमें हम कोई भी इक्वल सेट है ये, इसमें हम कोई भी चेंज ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट थ्री पार्ट इसमें जो है इसमें हम देख सकते हैं एक्स और एक्स नंबर ऑन एंड डाई। अब कहते हैं कि नंबर सेट लिखे हैं कि एक डाई में कितने नंबर्स होते हैं, एक्स इज अ नंबर ऑन अ डाई, एक डाई में कितने सेट आपके पास आउटकम्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, सिंपली हमने वो सारे नंबर्स लिख लिए हैं। नेक्स्ट सी सेट है एक्स और एक्स के -4x+3 = 0, आप इसमें से आप बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस आते हैं, तो सेम वही क्वेश्चन जो अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था कि इसकी फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास कितने फैक्टर्स बनते हैं, x-3 का बनता है और x-1 का बनता है 0 के इक्वल, तो कितने इसमें से सेट आते हैं, हमारे पास दो सॉल्यूशंस आते हैं 1 एंड 3 का। ठीक है, डी पार्ट है एक्स इंटू एक्स इज अ एक्स और एक्स इज अ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 6 पॉइंट्स टॉस्ड। क्या कहते हैं ये स्टार्ट वाली एग्जांपल जो मैंने डिस्कशन में आपको व्हाइट बोर्ड पे करवा के दिखाई थी कि एक टॉस को हम गिराते हैं तो हर टॉस पे हमें कितने जो है वो आउटकम्स उसके हमने जब निकालने होते हैं, हमें पॉसिबिलिटीज चेक करनी होती है प्रोबेबिलिटी, तो हम उसको कितने टाइम्स करते हैं, 6 टाइम करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक डाई में 6 पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो उसको हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप लिखेंगे। ठीक है, ये आपके फर्स्ट 3 थे क्वेश्चन।